मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें एमटीवी न्यूज इंडिया को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। यूपी में भारी बारिश से मिली राहत, लेकिन आज भी 14 जिलों में जारी किया गया येलो अलर्ट। यूपी वेदर टुडे रविवार को पश्चिम यूपी में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की आंधियां चलने की आशंका है। वहीं पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने रविवार को बिहार के कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के सिस्टम का रुख अब बदल गया है। यूपी के कई जिलों में दो दिन हुई भारी बारिश के बाद अब मौसम बदलने लगा है। ऐसे में बारिश की गतिविधियों में कमी आ गई है, जो फिलहाल राहत की बात है। मौसम केंद्र लखनऊ ने रविवार को पश्चिम यूपी में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की आंधी चलने की आशंका बताई है। साथ ही पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों जबकि पश्चिमी यूपी में अलग अलग स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी यूपी में मौसम का मिजाज इसी तरह का बना रहेगा। मौसम विभाग ने रविवार के लिए गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया और श्रावस्ती में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले यूपी में कई जगहों पर शनिवार को भी बारिश हुई थी। यूपी और झारखंड में होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत झारखंड और कोलकाता में अगले कुछ दिन हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। ओडिशा में अगले सप्ताह भारी बारिश का अनुमान। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम कार्यालय ने अगले 4 दिनों में ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य के ऊपर सुबह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग के एक बुलेटिन के अनुसार इसके प्रभाव से एक कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार के आसपास तटबंध के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आकर तैयार है। मछुआरों को मंगलवार को गहरे समुद्र वाले इलाकों में नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। बिहार का मौसम। IMD पटना के मुताबिक अच्छी बारिश के लिए जरूरी ट्रफ लाइन बिहार पर मेहरबान है। उत्तरी और दक्षिणी बिहार में यह ट्रफ लाइन लगातार आ और जा रही है। IMD पटना के क्षेत्रीय निदेशक विवेक सिन्हा ने कहा कि बारिश का विस्तार पूरे प्रदेश में है, इससे प्रदेश में बारिश की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।